औद्योगिक नगरी पीतमपुर में किसान न्याय ट्रैक्टर यात्रा निकाली गई। यात्रा पीतमपुर के अकोलिया से शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए इंदौर के लिए रवाना हुई। यात्रा के संयोजक युवा कांग्रेस शहर अध्यक्ष संदीप रघुवंशी ने बताया कि शहर कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष परमेश्वर रघुवंशी एवं नगर पालिका प्रतिनिधि के हरी झंडी दिखाने के बाद आज यह किसान न्याय ट्रैक्टर रैली पीतमपुर के अकोलिया से आयसर चौराहा, आजाद चौराहा, सीसी पावर होते हुए इंदौर जाएगी। यह रैली इंदौर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में होने वाली महारैली में शामिल होगी। इस रैली का उद्देश्य केंद्र व राज्य की किसान विरोधी भाजपा सरकार के विरोध में है। किसानों को अपनी फसलों का उचित दाम न मिलने से उसकी लागत तक नहीं निकल पा रही, जिससे कई किसानों ने कर्ज के बोझ से आत्महत्या कर ली। हमारी केंद्र व राज्य सरकार से मांग है कि किसानों की फसलों का उचित दाम तय किया जाए। हमारी ये मांग है कि हमारे सोयाबीन का भाव 6 से 7 हज़ार रुपये चाहिए। किसान अपनी छाती सींच कर धरती से सोना उगाता है और उसे हमें कोई मतलब वो कोई फ़ायदा नहीं मिल पाता। हमारा सोयाबीन का भाव आज 3500-3800 रुपये में हम क्या खाएंगे, इतने तो हमारी लागत है। हमें 5 से 6 हज़ार रुपये सोयाबीन का भाव चाहिए और ये हमारे हजारों सैकड़ों किसान आज ट्रैक्टर लेके आंदोलन करेंगे। हम यहाँ से एक रैली निकाल रहे हैं जिसमें हम ये चाहते हैं कि सरकार से हमारी ये मांग है कि हमें सरकार 6 से 7 हज़ार रुपये मुआवजा देने का हमारी मतलब कोशिश है कि हमें इतना मुआवजा चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम नंदू पटेल, मैं किसान नंदू पटेल, ग्राम खंडवा अकोलिया।